सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल देसी यूट्यूबर, और मैं सर्वे स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और हम इस समय खड़े हैं अहिल्याबाई घाट, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये पीछे हनुमान जी की प्रतिमा है, और इस समय हम अहिल्याबाई घाट पे मौजूद हैं। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा अहिल्याबाई घाट दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि अहिल्याबाई घाट किसने बनवाया है और कैसे बना है। तो वीडियो पर कंटिन्यू रखिए, और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये चंदू भाई मिल गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, और हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी वीडियो बनवाने में, और ये इसके पहले वीडियो बनवा के बॉम्बे चले गए थे और वापस आए हैं। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब आपकी दुआ है। आप बनारस घूमने आए हैं? जी जी। तो चंदू भाई बनारस घूमने आए और यहीं पे मिल गए हैं, इनके साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मिथिलेश सिंह नाम है इनका, और ये लोग उस पार से इंजॉय करके आ रहे हैं। और तो वीडियो पे आप लोग कंटिन्यू रहिए, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं अहिल्याबाई घाट। दोस्तों, माँ गंगा की कल कल करती अविरल लहरें जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक समूचे उत्तर भारत को सिंचित करते हुए गुजरती है, इनकी कथाएं भी उन्हीं की तरह अविरल है। विभिन्न नगरों से गुजरते हुए सभ्यताओं और संस्कृतियों के विकास क्रम में गंगा की धारा नहीं बदली, मगर घाटों के नाम काल क्रम में बदलते रहे। खासकर तीनों लोकों से न्यारी नगरी माने जाने वाली काशी के 84 प्रमुख घाटों में नामकरण और पहचान में यह बातें स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। ठीक यही स्थिति इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित अहिल्याबाई घाट की है। वर्ष 1785 में अहिल्याबाई ने शिवनगरी में आस्थावश यहां घाटों को नया स्वरूप देकर तीर्थयात्रियों के लिए विकास कार्यों को गति दी। यहां गंगा घाट के तट पर ही विशाल महल का निर्माण कराया था, जहां से समूची उत्तर वाहिनी गंगा का विहंगम नज़ारा परिलक्षित होता है। इतिहास को बताते हैं, घाट का प्राचीन नाम केवल गिरी घाट ही था, मगर कालांतर में इसका जीर्णोद्धार चूंकि अहिल्याबाई ने कराया था, इसलिए समय के साथ इसकी पहचान अहिल्याबाई घाट के तौर पर ही अस्थाई हो गई। घाट पर ही अहिल्याबाई बाड़ा, हनुमान मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, समय समय पर राज्य सरकार ने घाटों का सौंदर्यीकरण कराया है।